भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे तन्मय फडणवीस के एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की राज्य इकाई ने ट्वीट करके दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस के भतीजे ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है, जबकि उनकी उम्र 45 साल से कम है। कांग्रेस ने ट्विटर पर फडणवीस के भतीजे की वैक्सीन लेते हुए तस्वीर भी पोस्ट की है। कांग्रेस ने पूछा है कि जब फडणवीस के भतीजे की उम्र 45 साल नहीं है तो उन्हें वैक्सीन कैसे मिली। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने ट्वीट में कहा, मोदी सरकार ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही टीका लगाने की शर्त रखी है। ऐसी स्थिति में 45 साल से कम उम्र के देवेंद्र फडणवीस के भतीजे का टीकाकरण कैसे हो सकता है। भाजपा नेताओं के परिवारों का जीवन महत्वपूर्ण है, क्या आम जनता के जीवन की कीमत कुछ भी नहीं है। वही कांग्रेस नेता श्रीवत्स ने भी पूर्व सीएम के भतीजे तन्मय फडणवीस के इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीर का स्क्रीनशॉट ट्वीट कर पूछा है कि प्रिय देवेंद्र फडणवीस जी, क्या आपका भतीजा तन्मय फडणवीस 45 से ज्यादा उम्र का है? अगर नहीं तो वो वैक्सीन लेने के लिए कैसे योग्य है? रेमडेसिविर की तरह ही क्या आप टीकों का भंडारण कर रहे हैं और इसे अपने परिवार के सदस्यों को दे रहे हैं? लोग मर रहे हैं, वैक्सीन की कमी है, लेकिन फडणवीस परिवार सुरक्षित है। कांग्रेस नेता ने एक अन्य ट्वीट में कहा, मोदी जी भाजपा नेताओं के परिवारों के 45 साल से कम उम्र के सदस्यों की किस कानून के तहत टीके लग रहे हैं? तन्मय फडणवीस ने अपराध किया है और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जालसाज फडणवीस फिर से पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं कि गद्दार क्या होता है। पूर्व सीएम के भतीजे तन्मय के इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक उन्हें नागपुर स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में वैक्सीन लगी। कांग्रेस द्वारा ट्वीट किए गए स्क्रीनशॉट में तन्मय ने अपने इंस्टा पोस्ट में लिखा है, टीके का दूसरा डोज भी लगवा लिया, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। हालांकि तन्मय के टाइमलाइन पर अब ऐसी कोई पोस्ट नहीं दिख रही। तन्मय ने ये तस्वीर नागपुर के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि तन्मय ने टीके की पहली डोज मुंबई में और दूसरी डोज नागपुर में ली है। तन्मय की उम्र जबकि 22 साल बताई जा रही है।